हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास ख़राब लैपटॉप है। मेरे पास एक ख़राब लैपटॉप था एक साल पहले और मैं उसका डाटा निकालना चाहता हूँ। तो मुझे पता था अगर आपके पास भी ख़राब लैपटॉप है तो उसका डाटा कैसे निकालें, आइए जानते हैं। देखिए मैंने क्या किया, मैंने अपना लैपटॉप का जो स्टोरेज है यानी ड्राइव है इसे निकाल लिया। अब मैंने इसे एक साल पहले निकाल लिया था और मैंने इसे रख लिया था। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन एक साटा केस मंगाया। देखिए इसे पढ़ लीजिए, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसे 2.5 साटा एक्सटर्नल केस कहते हैं, USB 2.0, और ये ऐसे कनेक्ट हो जाती है, ये इस तरीके से कनेक्ट होती है। इसके लिए आपको YouTube पर ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी। इसमें मेरा बहुत सारा डेटा है, मेरी शादी की फ़ोटोज़, वीडियोज़ और भी डेटा है YouTube का, और मैं उसे निकालना चाहता हूँ। तो सिंपल इसे कनेक्ट करना है मेरे को, तो मैंने इसे कनेक्ट किया इसमें, और इसका एक USB केबल जाता है मेरे कंप्यूटर में यानी पीछे वाले USB पोर्ट में। और यहाँ पे मेरी सारी ड्राइव आ चुकी है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ऊपर की जो चार ड्राइव है ये तो कंप्यूटर की है, पर जो नीचे की चार ड्राइव है वो मेरे इस वाले हार्ड ड्राइव की है। तो शायद आप समझ गए होंगे, तो मैंने सिंपल शॉर्टकट बताया है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई। इसके लिए आपको YouTube पे ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी कि कैसे ख़रीदना है, कहाँ मिलेगा, कैसे कनेक्ट करना है। तो सारा डेटा ये मैं निकाल के अपनी इस वाली ड्राइव में कर लूँगा ऊपर की, और इसे यूज़ कर लूँगा, और इसके बाद मैं इसे फॉर्मेट करूँ या जो भी करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, और मेरा जो डाटा है मुझे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।